अक्षर मंदिर की अविरत सेवा की।
उनकी सार्थता पूर्ण दिव्य प्रतिभा के प्रभाव से और उनके अव्यय पुरुषार्थ से ये अक्षर देहरी विश्व प्रख्यात हो गए। इसी अक्षर देहरी में ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज से एक विशेष महापूजा करवा के ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज को भागवती दीक्षा दी थी। और इसी अक्षर देहरी में ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज ने ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज को पार्षदी दीक्षा दी थी। इस अक्षर मंदिर के परिसर में ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज की स्मृतियों का भंडार है। परम ब्रह्म श्री स्वामी नारायण से लेकर प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज तक का दिव्य संबंध इस परिसर की भूमि को प्राप्त हुआ है। अतः अक्षर मंदिर का ये परिसर केवल जड़ पत्थरों की सजावट नहीं है, परंतु इसमें परम चैतन्य की दिव्य उपस्थिति अखंड है, जिनके आशीर्वाद से लोगों के जीवन में चमत्कारी अनुभव होते रहते हैं। मैंने यहाँ अक्षर देहरी में प्रदक्षिणा करके मनौती रखी थी कि यदि मेरी बेटी अच्छा अभ्यास करके अच्छी उपाधि पालेगी तो मैं बीड़ी और तम्बाकू के रसम का त्याग कर दूंगा, और आज मैं रसम से मुक्त हूँ। मैंने यहाँ अक्षर देहरी में प्रदक्षिणा करके मनौती रखी थी कि यदि मेरी माँ अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखकर बीमारी से मुक्त हो जाएगी तो मैं मेरी दुकान के माल में किसी प्रकार की मिलावट करना बंद कर दूंगा, और आज मेरे सारे ग्राहकों को बिना मिलावट का माल मिलता है। हमारे पास पैसा तो बहुत था, लेकिन परिवार में झगड़े उससे भी ज्यादा थे। मैंने और मेरे पति ने यहाँ अक्षर देहरी में मनौती रखी थी कि यदि हमारे परिवार के लोग पुराने झगड़ों को भूल कर संस्कार पूर्वक एकता से रहने लगेंगे तो हम नियमित रूप से मंदिर में दर्शन भक्ति और कथाबोध का लाभ लेते रहेंगे। और अब केवल मैं और मेरे पति ही नहीं पर हमारा सारा परिवार हर रविवार को सत्संग सभा में अवश्य जाता है। हम सब सत्संगी बन गए हैं। मैंने और मेरी पत्नी ने यहाँ अक्षर देहरी में मनौती रखी थी कि यदि हमारे कुटुंब के लोग शरण के व्यसन का त्याग कर देंगे तो हम नियमित रूप से सत्संग करेंगे, और आज हमारा सारा परिवार सत्संगी है। अब तो हम लोगों के शराब के व्यसन छुड़वाते हैं। मेरा घर बन गया, मेरी बेटी की नौकरी लग गई, मेरा खुद का डॉक्टर हो गया, मेरी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिल गया, मेरी खेती सुधर गई, मेरा गांव ठीक हो गया, मेरा सर दर्द हमेशा के लिए निकल गया, मेरा वीजा लग गया, मेरा व्यवसाय नुकसान से बाहर आ गया, हमारा सारा परिवार सुखी हो गया, आज हम खुशी से जी रहे हैं। भगवान यहाँ सबकी प्रार्थना सुनते हैं और छोटे बड़े सभी के शुभ संकल्पों की यहाँ पूर्ति होती रहती है। और केवल चमत्कारिक रूप से संकल्प पूर्ति करते रहना वही इस मंदिर का कार्य नहीं है। ये वो मंदिर है जिसने दुष्कर अकाल के समय में लाखों पशुओं की रक्षा, हजारों भूखों को भोजन परोसा, पहनने के लिए कपड़ों से लेकर रहने के लिए घरों तक कई सुविधाएं प्रदान की, अच्छे बुरे सभी समय में समग्र समाज की सर्वांगीण सेवा की, असंख्य लोगों को निस्वार्थ सेवा करते रहने के लिए प्रेरित भी किया, और समाज का कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च और शाश्वत सुख को प्राप्त कर सके ऐसी व्यवस्था प्रदान की। यहाँ संस्कार प्रेरक सभाओं के आयोजन होते रहते हैं जिनमें सुशिक्षित विद्वानों से अनेक लोग उच्च जीवन की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यहाँ हमारे कल हमारे भविष्य ऐसे बच्चों में सभाओं के द्वारा मूल्य आधारित संस्कारों का सिंचन किया जाता है, और गुरुकुल में आधुनिकतम सुविधाओं के साथ शिक्षण भी दिया जाता है। अतः ये मंदिर मूल्यवान समाज की आधारशिला है, समाज का अभिन्न अंग है, समाज का प्राण है, जहाँ सारा समाज एकजुट होकर दिवाली, अन्नकूट, उत्तरायण, होली धुलेटी, शरद पूर्णिमा, एकादशी, पूर्णिमा आदि अनेक उत्सव त्योहार पारंपरिक शैली एवं संस्कार के साथ मनाता है।
आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए पीएपीएस संस्था के गुरु महंत स्वामी महाराज का आशीर्वाद है। अक्षर मंदिर स्वामीनारायण धर्म का अति महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यहाँ अक्षर देरी में प्रदक्षिणा, महापूजा, प्रार्थना आदि करने से सबके शुभ संकल्पों की सदैव पूर्ति हो और सबका हमेशा शुभ हो। वही पर ब्रह्म श्री स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना। अक्षर मंदिर तीर्थ महा।